तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ग्रिड व्यू के अंदर में हम लोगों ने दो कॉलम्स के साथ में क्रड ऑपरेशन परफॉर्म किया था, है ना। मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ग्रिड व्यू के अंदर में ही, अगर आपने लास्ट वाला असाइनमेंट नहीं देखा है, लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो ये आप बना नहीं पाओगे। तो पहले आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। अब मैं इसमें क्या अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ साथ मेरा एक इमेज भी आए, यानी यूज़र का इमेज भी, यूज़र अपने एंड से क्या करें, उसे अपलोड करें, है ना, उसे अपलोड करे और उसे है वो अपडेट करे, उसे डिलीट करे, मतलब वो जो सारी चीज़ें हमारी हो रही थी वो सारी चीज़ें हों। लेकिन मैं साथ साथ चाहता हूँ कि जो इमेज कॉलम है वो भी इसके साथ में अप्लाई हो। तो देखो, तो मुझे दो जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे, एक तो मुझे फ्रंट एंड पे करना पड़ेगा और एक बैक एंड पे करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बैक एंड पे कर लेते हैं। तो मेरे जो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टेबल बनाया था वो क्या था, एसक्यूएल सर्वर के अंदर में उसको सब मैनेजमेंट स्टूडियो खोलते हैं और उसके अंदर में जो हमारा जो डेटाबेस था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास की वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आपने लास्ट क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका ग्रिड व्यू टेस्ट डीवी के नाम से, टेस्ट जीवी के नाम से हमारे पास क्या है, डेटाबेस है। तो मैं यहाँ पर उसको चेंज कर देता हूँ पहले, यहाँ से कनेक्ट करते हैं। न्यू क्वेरी, डेटाबेस का नाम था यूज टेस्ट अंडरस्कोर ग्रिड व्यू, ठीक है। और जो मेरे टेबल का नाम था वो यूजर्स था। तो यूजर्स के अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो हम ले करते हैं अल्टर, अल्टर टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। और फिर हम यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है कॉलम, है ना। कॉलम का नाम क्या है, आईएमजी, जो कि मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, एन वेयर कैर। साइज में इसका देता हूँ मैक्स। ये मैंने एक कॉलम ऐड करना है इसके अंदर में, ऑल्टर करना है, तो मैंने ऑल्टर कर दिया। यहाँ पे कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो और यहाँ पे इसे आप एग्जीक्यूट करा दो। तो एक कॉलम आपका अपेंड हो गया, है ना। अब जो पहले जो मेरे पास कॉलम था वो क्या था, तीन कॉलम थे, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं यूज़र्स करता हूँ तो आपके पास में कितने कॉलम आ जाएँ, आ जाएंगी यहाँ पे चार, तीन कॉलम आ गई। पहले तो मेरे पास में था ईमेल आईडी, एक पासवर्ड और दूसरा अभी अभी हमने जो ऐड किया है वो क्या है, आईएमजी के नाम से कॉलम, जिसको हमने मैक्स कर दिया, ठीक है। इस कॉलम में मैं क्या स्टोर करूँगा, एड्रेस ऑफ द इमेज, एंड इमेज को मैं क्या करूँगा, सर्वर पे अपलोड करूँगा। तो मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन में जाके एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको देखो यहाँ पर डेमो के लिए मैंने इसको ओपन किया था कि आप देखो यहाँ से आप इमेजेस को, सॉरी ये वाला नहीं था मेरा, यूज़र्स के नाम से था ना हमारा, यूज़र्स ये था मेरे पास में, दो कॉलम मेरे पास बने हुए हैं। अब इसमें अल्टर करना पड़ेगा मुझे, यानी कि एक कॉलम और ऐड करना होगा, है ना। ये मेरा लास्ट क्लास का एग्जांपल था, अब मैं एक नया इसमें ऐड करूँगा एक कॉलम, और वो कैसे होगा आप देखिए। यहाँ पे मैं पहले एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे अपने यहाँ पर और जाके एक फ़ोल्डर ऐड कर लेंगे जिसमें मैं इमेज को अपलोड करूँगा। तो मैं ऐड करता हूँ एक फ़ोल्डर, एक फ़ोल्डर ऐड करता हूँ, उसका नाम मैंने इमेज कर दिया। इस फिल्टर, इस फोल्डर में मैं अपनी इमेजेस, जो भी मेरे इमेजेस होंगे मैं इसमें अपलोड करूँगा। गॉट इट। नाउ अब आ जाओ अपने ग्रिड व्यू के अंदर में, उसको उसमें हम मुझे चेंजेस करने हैं, है ना। चेंजेस करने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे उसके एडिट कॉलम में और वहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करेंगे। देखो मेरे पास तीन कॉलम थे पहले, एक किसके लिए, ईमेल आईडी के लिए, पासवर्ड के लिए और एक्शन के लिए। अब इसमें हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, कौन सा, इमेज के लिए। तो मैं इमेज के लिए यहाँ पे टैम्पलेट फील्ड एक ऐड कर देता हूँ और इस टैम्पलेट फील्ड को मैं कहाँ चाहता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड के बाद आ जाए, तो मैं इसको अप कर देता हूँ और इस टेम्पलेट फील्ड को मैं चेंज करूँगा किसमें, इसका नाम कर देते हैं इमेजेस, ठीक है, यानी कि यूज़र की इमेजेस यहाँ पे दिखे, और यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो एक कॉलम मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं एडिट कॉलम में जाता हूँ, एडिट कॉलम में जाने के बाद इमेजेस में जाएंगे जो मैंने कॉलम ऐड किया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो इमेज दिखेगा वो इमेज कैसे दिखेगा, इमेज कंट्रोल में दिखेगा, तो मुझे वहाँ पे एक इमेज कंट्रोल चाहिए। तो यहाँ से जाइए टूल्स में जाओ और जाने के बाद इमेज को शो करो। जैसे इस वाले फील्ड में हम लोग पहले क्या ऐड करते थे, इस वाले फील्ड में हम लोग पहले लेबल ऐड करते थे ना, तो लेबल में हमारा शो होता था। तो यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्या, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और जाके पहले तो मैं इसका हाइट और विड्थ सेट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ एक साइज़ का वो शो हो, तो मैं इसका 40 कर देता हूँ, यहाँ पे 40 हाइट कर दिया और विड्थ इसकी 40 कर दी और हाइट भी 40 कर दी, ठीक है, इतना छोटा मैं चाहता हूँ। आप चाहते हो उसका रीसाइज करके और बड़ा देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट। नाउ ऑल्टरनेट में आपको कुछ नहीं करना, एडिट में क्या चाहते हो कि जब यूज़र इसको क्या इमेज को अपडेट कर सकता है, तो यस कर सकता है। तो एडिट को अपडेट जब वो करेगा तो उसको क्या करना होगा, या तो टेक्स्ट बॉक्स हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, फाइल अपलोड, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल अपलोड यहाँ से यूज़ करेंगे, क्योंकि इमेज एक फ़ाइल है जिसको मुझे सर्वर पे अपलोड करना है, जिसका नाम फाइल अपलोड वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर के अंदर में मैं कर देता हूँ इमेजेस सेम, और फुटर में क्या आप नया इमेज ऐड करना चाहते हो, यस मैं चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, एक और फाइल अपलोड करना होगा ना। यानी फुटर में मेरे पास फाइल अपलोड 2 है और हेडर में मेरे पास फाइल अपलोड 1 है, यानी कि एडिट के टाइम पे 1 और ऐड के टाइम पे 2, ये मुझे रिमेंबर, क्योंकि 2 ही है तो रिमेंबर रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन चेंज द नेम, ठीक है, और तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नाउ मैं यहाँ से आके वापस क्लिक करते हैं और यहाँ से एंड पे चले जाते हैं, एंड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक इमेज नाम का भी आ गया और नीचे फाइल अपलोड भी आ गया, गॉट इट। नाउ अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसमें कोडिंग परफॉर्म करनी है, कोडिंग परफॉर्म करनी है कि जब ये ऐड पे क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कि इमेज यहाँ से ब्राउज हो, जिसका नाम क्या है, फाइल अपलोड 2, और वो जाके कहाँ सेव हो जाए, वो आके इस इमेज वाले फोल्डर में सेव हो जाए। तो किस पे कोडिंग करेंगे, ऐड की कोडिंग हमने किस पे करी थी, आइटम कमांड पे हमने करी थी, यानी कि अब जाएंगे यहाँ पे ग्रिड व्यू का रो कमांड पे जाएंगे, रो कमांड में देखेंगे कि रो की जब कमांड नेम ऐड होगा, तब इंसर्ट कर रहा था तो हमने दो चीज़ों को फाइंड करी थी। अब मुझे तीसरा ऑब्जेक्ट भी फाइंड करना है, जिसका नाम क्या है, फाइल अपलोड टू, है ना, फाइल अपलोड 2 के नाम से ना नीचे में फुटर में। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, फाइल अपलोड, है ना, और इसका नाम मैं देता हूँ FL, फाइल अपलोड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल अपलोड ग्रिड व्यू के 1 के अंदर में, फूटर के अंदर में फाइंड करेगा, क्या करेगा, फाइंड फाइल अपलोड 2, am I right, फाइल अपलोड 2 जो फूटर के अंदर में होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन करके बनाया था, यहाँ पे 1 रखा था, एडिट के टाइम पे 1 आ जाएगा और इसके टाइम पे 2 है। तो मैंने जैसे एज इट इज़ वो नाम था, F कैपिटल है, U कैपिटल है, वो आपको ऐसे ही देना होगा, अदरवाइज वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया FL के नाम से, जिसके अंदर में फाइल अपलोड की आ गई। अब मुझे इसके थ्रू क्या करना है, सेव एज कराना है। तो सेव एज के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे मैंने स्ट्रिंग पाथ ले लिया और उस पाथ के अंदर मैंने क्या किया, उसका जो एड्रेस है, फोल्डर का एड्रेस है, जो आपने पहले मैंने आपको बताया हुआ है, सेम वही चीज़ आप अप्लाई करोगे। अब जो मेरा फाइल अपलोड 1 पहले हुआ करता था, अब यहाँ इसका नाम हमने क्या लिया, FL, तो FL डॉट क्या आएगा, फाइल नेम, ठीक है। तो ये किस में, स्ट्रिंग में आ गया, पाथ के अंदर स्ट्रिंग आ गया। अब मैं क्या करूँ, FL डॉट सेव एज, कहाँ पे सेव एज, तो सर्वर डॉट मैप पाथ के अंदर जाएगा, और मैप पाथ का जो एड्रेस है वो कौन सा है, पाथ, जो मैंने ऊपर में डिफाइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई मेरी, पाथ के अंदर, ये तो सेव एज कर देगा, ये पाथ ले लिया और इसको सेव एज कर दिया। अब पाथ को मैं कहाँ डालना है, इंसर्ट वाली क्वेरीज में, तो इंसर्ट वाली क्वेरीज में मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब तीसरा ऑब्जेक्ट मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉमा सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस पाथ, PATH पाथ प्लस
डबल कोट्स सिंगल कोट बस, बाकी जो डबल कोट्स था आपका बंद था और आपका कौन ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया, दैट्स इट। ये तुम्हारी इमेज को क्या करेगा, सेव करेगा, सेव कर देगा वहाँ पे ऐड करने के बाद, अपलोड कर देगा सर्वर पे। क्लियर है? अब अपलोड कर देगा, अब आपको क्या मैकेनिज्म यूज करना है, अपडेट में चेंजेस आपको अपडेट में करना है, डिलीट में तो डिलीट का काम कर ही रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको कहाँ पे चेंजेस करना है, अपडेट में। अब हम आते हैं अपडेट में, और अपडेट में भी हमें कुछ इस तरह के ही चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। अब आता हूँ अपडेट की कोडिंग में, ये रो डिलीटिंग है, ये अपडेटिंग आ गया। अपडेटिंग में भी मुझे क्या करना है, इसमें भी मुझे फाइंड करना है किसको, फाइल अपलोड वन को, वन को करना है ना, क्योंकि वन उसमें हेडर में है, एडिट वाले में। अब यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ फाइल अपलोड ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, और यहाँ पे मैं इसका नाम FLE ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फाइल अपलोड लिखूँगा, सेम आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा फाइल अपलोड वन आ जाएगा। क्लियर है? ये फाइल अपलोड वन आ गया। अब यहाँ पे भी मुझे सेव एज वाला कंडीशन लिखना पड़ेगा, जो मुझे वहाँ लिखना पड़ रहा था, तो मैं दोबारा क्यों मेहनत करूँ जब मैंने एक बार लिखा हुआ है। तो मैंने इसको यहाँ से ये स्ट्रिंग वाला जो दो लाइन थी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद मैंने एज इट इज़ यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और कॉलम मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, जो कि मैंने पासवर्ड को अपडेट किया था। अब मुझे एक और कॉलम अपडेट करना है, कौन सा, इमेज का। तो मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या था, आई एम इमेजेस था या इमेज था, पूरा देख लेते हैं। ऑल्टर किया था मैंने IMG, तो IMG लिखा मैंने, इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस IMG की जो वैल्यू है, इधर से कहाँ से जा रही है, पाथ के अंदर डाल रही है, तो यहाँ का लिख देंगे पाथ प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है, दैट्स इट। और वेयर जो था वो वैसे ही एज इट इज़ रहेगा, और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे कि आपकी इमेजेस भी शो होगी, अपलोड भी होगी, और बाकी के जो वर्क थे वो भी होंगे, क्योंकि और इसके अलावा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको सेट एज स्टार्ट पेज कर देता हूँ, और उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखते हैं कि मेरी इमेज जो है वो सेव हो रही है कि नहीं हो रही है ग्रिड व्यू के साथ में। अब इसके साथ में हम बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं। या तो मैंने इमेज जैसे अपलोड कराया, आप चाहते हो कि किसी का रिज्यूमे है या कोई PDF फाइल है या कोई वर्ड की फाइल है, यू कैन अपलोड इट। इफ़ यू अपलोड द फाइल ऑन सर्वर, यू कैन चेक द साइज ऑफ द फाइल बिफोर अपलोडिंग, यू कैन चेक द। अब फाइल अपलोड के अंदर में आ गया, अब उसका जो पाथ में आ गया, अब जैसे इमेज है, ब्राउज जैसे किया, चेक करो कि क्या उसका साइज इससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैसेज दिखा दो। अब जैसे मेरे पास में इस इमेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ, और तो यहाँ पे चूज़ का आ गया। अब यहाँ से मैं ब्राउज़ करूँ, और मैंने कोई इमेज यहाँ से मेरे पास में डेस्कटॉप पे कोई इमेज अगर पड़ी हो, तो मैं यहाँ से इमेजेस ले सकता हूँ। तो आई हैव अ इमेज, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा, और यहाँ पे जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, ये सर्वर पे अपलोड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिफ़्रेश नहीं किया था, वहाँ मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मैंने उसको वहाँ पे चेक करते हैं। चलो अभी एक नया, एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड मैंने डाला, चूज़ फाइल, क्या वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो रही है। एक्चुअली मैंने वहाँ पे वो नहीं किया था ना, पेज लोड इवेंट मुझे करना पड़ेगा ना, पेज लोड इवेंट मैंने कॉल नहीं किया था, तो पेज लोड इवेंट मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ये लोड के साथ साथ, क्योंकि मुझे इमेज को भी वहाँ से ब्राउज करना है। तो पेज लोड सेंडर कॉमा ई, तभी उसको रिफ्रेश करेगा ना, अभी वो हट जाएगा। पेज लोड इसके साथ नहीं चल रहा है क्या, एक मिनट, एक्सेप्शन, ये उसका कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड कर रहा था। तो बाकी तो मैंने ठीक ही लिखा है ना, देख लेते हैं, बस चेक कर लेते हैं। हमने IMG नाम से फोल्डर बनाया, इट्स ओके। पाथ में हमने ये दिया हुआ है, FL दिया हुआ है, इमेजेस भी है, क्योंकि अगर वो एरर होता तो यहाँ पे आपके रन टाइम में एरर शो कर देता। तो
तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐड पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ और इसको रन कराता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है, इसको चेक कर लो। मैं डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ तो मेरी परफेक्टली इन्फॉर्मेशन सेव हुई है, देखो मेरे पास डेटाबेस में सेव हो रहा है लेकिन वो फेच नहीं कर रहा एक्चुअली। ओके ओके ओके, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। हम लोगों ने उसको बाइंड नहीं किया था, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इसको बनाया था तो हम लोगों ने इस कॉलम को उसके साथ बाइंड नहीं किया था, क्योंकि वंस वी वेन एवर वी बाइंड इट तभी वो शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, इस कॉलम को मुझे यहाँ से एडिट में जाके यहाँ पे इमेज यूआरएल में, ठीक है, टेक्स्ट में नहीं, इमेज यूआरएल में आपको लिखना होगा ईवेल और उसके बाद उस कॉलम का नाम, दैट इज़ आईएमजी, ठीक है। तो उसके साथ अब ये बाइंड हो गया तो आपका वहाँ पे अब शो करेगा। ये एक मिस्टेक था क्योंकि अपने बैकएंड में देखो, बैकएंड में मेरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, इन दोनों कॉलम में इन्फॉर्मेशन सेव हुई है। सेकेंड टाइम मैंने पासवर्ड में कुछ नहीं डाला था इसलिए नल वैल्यूज आ गया। देखो आ गई ना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बाइंड नहीं था इस वजह से लास्ट टाइम ये एरर शो कर रहा था। अब ये एडिट करके इस, अच्छा मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया था इसलिए ब्रेक पॉइंट पर चला गया। अब मैं ब्रेक पॉइंट को रिलीज़ कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू चेक ब्रेक पॉइंट बिकॉज ये फंक्शनली प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा है अब। तो देखा आपने कितना ईजी है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आपने ग्रिड व्यू कर लिया है तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोग फिर ट्राई करोगे जैसे पीडीएफ फाइल अपलोड करना, उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना इसका साइज़ कितना है ना, साइज़ इसका छोटा कम ज़्यादा अगर करना हो, क्योंकि आप सर्वर पे अपलोड कर रहे हो ना, सर्वर पे साइज़ ज़्यादा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे आ गया ना प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई कि उसका जो डायरेक्टली एंड डायरेक्टरी है ना, इनपुट आउटपुट डायरेक्टरी, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट डायरेक्टरी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये जो हमने इमेज स्टोर कराई है, सेव एज करा रहा हूँ मैं पाथ, ये वेबसाइट टू के अंदर में उसकी डायरेक्टरी नहीं शो कर रहा है, ये हमने पेज लोड रखा है। इसको चेक करते हैं कहाँ पे है, स्ट्रिंग पाथ इमेज एफएल फाइल नेम, ठीक है, और उसको मैं सेव एज करा रहा हूँ सर्वर के मैप पाथ पे, पाथ पे जा रहा है प्रॉपरली, ठीक तो है। यहाँ पे मेरा फाइल अपलोड वन है, ठीक है, क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू नहीं जा रही है, किसकी इन्फॉर्मेशन ब्लैंक आ रही है। एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मैंने इसमें नल वैल्यू पास किया था इसलिए एरर आ गया था, समझे। मैंने पासवर्ड डाला था क्योंकि अगर आप इसको नल भेजना चाहते हो यहाँ से तो आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी। अब ये नल जा रहा था वहाँ से, उसको वैल्यू क्या मिल रहा था, एक्सेप्शन नल मिल रहा था। अब मैं पूरा कंटिन्यू कर देता हूँ और ये कंटिन्यू में देखो आ गया। तो लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने इसको नल पास कर दिया था, दैट्स वाई इट्स इनवोक सम प्रॉब्लम। अब मैं लाइक मैं एक और वैल्यूज यहाँ पे डालता हूँ, c.gmail.com, और यहाँ पे कोई भी मैं एक पासवर्ड डालता हूँ, चूज़ फाइल करते हैं हम लोग, कोई भी एक फाइल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ओपन ऐड, देखो ऐड हो गया, इमेज मेरी यहाँ ऐड हो गई, इमेज के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली वो शो हो रहा है, जैसा आप इमेज अपलोड करोगे वैसा हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू डिलीट द डेटा यू कैन आल्सो डिलीट इट एंड इट विल बी डायरेक्टली डिलीटेड फ्रॉम द टेबल आल्सो, है ना, गॉट इट। और आप देखो आपकी जो फाइल थी वो आपके सर्वर पे जाके भी सेव हो रही है, इसको आप पॉश कर स्टॉप कर दो यहाँ से, और आपने इमेज फाइल राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ शो ओपन टेबल। देखो यहाँ पे मेरे पास तीन इमेजेस जो सेव थी वो सेव हो गई सर्वर पे, उस फोल्डर पे जिस फोल्डर पे आपने उसको सेव किया था, ठीक है।
क्लियर है? तो ये आप किसको करो,